नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। मंडला में पिंडराई पुलिस चौकी के सामने दूसरे दिन फिर ग्रामीणों ने मंडला पिंडराई मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ रोष जताया। आरोपी बुलेरो और उसके चालक को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की जा रही है। पुलिस की कार्य प्रणाली से स्थानीय ग्रामीणों में जमकर रोष देखा जा रहा है। एडिशनल एसपी और एसडीएम नैनपुर मौके पर देर शाम पहुंचे और आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि चौकी प्रभारी को दो दिन में हटा दिया जाएगा, साथ ही जल्द वाहन जब्त कर लिया गया। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? वो स्कूल जा रहा था पुस्तक जमा करने के लिए, तो एक कुलिया टाइप की है तो वहाँ से गाड़ी आ रही थी, बोलेरो आ रही थी, तो उसमें पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मिल गया। उस गाड़ी में मध्य प्रदेश शासन लिखा था और मेरे भाई ने पटली के किनारे कर लिया, रास्ते के नीचे से साइकिल चला रहा था, वो गाड़ी भी आई, रास्ते के नीचे से आई, मेरे भाई ने सोचा यहाँ से कटा लो, तो वो गाड़ी भी। फिर क्या हुआ भाई के साथ? पुलिस नहीं आई, पुलिस नहीं आई, लेकिन पिंडराई की नैनपुर की पुलिस आ गई। वो दूर है 14 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ की पुलिस नहीं आई वहाँ पे, फिर नैनपुर की पुलिस आ गई। मेरे